हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब घर में बड़े ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा मोजो BS6 और डोमिनर 400 BS6 के बारे में। दोनों बाइक टूरिंग बाइक है और दोनों की प्राइसिंग में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर ऐसे में दोनों का कंपैरिजन तो बनता ही है। आज हम इस वीडियो में दोनों बाइक के कुछ मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी है और आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा मोजो BS6 के बारे में। इसमें हमें 294.72 सीसी का लिक्विड कोल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 25.71 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है 7300 आरपीएम पे और 25.96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 6000 आरपीएम पे। वहीं डोमिनर 400 में हमें 373 सीसी का लिक्विड कोल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 40 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है 8650 आरपीएम पे और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 7000 आरपीएम पे। तो पावर के मामले में क्लियरली यहाँ पे डोमिनर 400 विनर है, क्योंकि इसमें हमें मोजो के मुकाबले बहुत ज्यादा पावर देखने को मिलती है। दोनों बाइक्स में हमें 6 गियर देखने को मिलते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स में ब्रेक की बात करें तो दोनों बाइक में हमें ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलता है। ब्रेकिंग डिपेंड करती है कि बाइक में टायर कैसा है। तो दोनों बाइक में हमें MRF के टायर देखने को मिलते हैं। महिंद्रा मोजो में पहले पायरेली एंजल सीट के टायर देखने को मिलते थे, जो कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के टायर्स हैं, लेकिन BS6 मॉडल में इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है और अब इसमें भी हमें MRF के टायर देखने को मिलते हैं। बाकी दोनों बाइक के टायर साइज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो महिंद्रा मोजो में हमें सिर्फ पीछे की टेल लाइट है वही LED की देखने को मिलती है, बाकी सामने की जो लाइट है वो हेलोजन की है, इंडिकेटर्स भी बल्ब वाले हैं। बाकी डोमिनर 400 में हमें हेडलाइट टेल लाइट और DRL इंडिकेटर सब कुछ LED के देखने को मिलते हैं। महिंद्रा मोजो में हमें एनालॉग प्लस डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, वहीं डोमिनर 400 में हमें फुली डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। डोमिनर 400 में हमें टैंक के ऊपर भी एक छोटा सा मीटर देखने को मिलता है, जिसपे आप अपने गियर शिफ्टिंग देख सकते हैं और ट्रिप से रिलेटेड कुछ अदर फीचर्स देख सकते हैं। दोनों बाइक में हमें पीछे की और मोनोशॉक ऑफ सस्पेंस देखने को मिलता है। डोमिनर 400 में हमें सामने UAD फोक्स देखने को मिलते हैं, जबकि महिंद्रा मोजो में हमें टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको UAD फोक्स और टेलीस्कोपिक फोक्स के बीच डिफरेंस नहीं पता, तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। मोजो BS6 मॉडल का वेट है 186 kg, डोमिनर 400 BS6 का वेट है 184 kg। डोमिनर 400 में हमें 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, वहीं मोजो में हमें 21 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो टूरिंग के हिसाब से मोजो में हमें काफ़ी बढ़िया फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। 830 mm की सीट हाइट हमें मोजो में देखने को मिलती है, जो कि BS6 मॉडल आने के बाद थोड़ी बढ़ गई है। वहीं डोमिनर में हमें 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। डोमिनर में हमें 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, मोजो में हमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे लुक में आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लग रही है। बाकी मुझे मोजो का लुक थोड़ा सा अच्छा लगता है डोमिनर 400 से। तो दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की। मोजो BS6 मॉडल की प्राइसिंग लगभग 2 लाख से स्टार्ट होती है, जो कि बढ़कर 2.1 लाख तक जाती है। वहीं डोमिनर 400 BS6 की प्राइसिंग 1.91 लाख है। तो दोस्तों, यहाँ पे टूरिंग के हिसाब से दोनों में से कोई सी बाइक आप ले सकते हैं। डोमिनर 400 थोड़ी सस्ती और अच्छी बाइक है, मोजो की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा कम्फर्टनेस मिलेगी और उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी 21 लीटर की है, जो कि इस रेंज की और किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आपको दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।